चलें, कल कल बात होगी ऑफिस में। ओके, खुदा हाफिज। आओ बेटा। वालेकुम सलाम। बैठो। कैसा रहा ट्रिप? बहुत अच्छा था, इट्स फन। गुड। चलो अब सैर तो हो गई। ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो? जब आप बोलेंगे। ऐसा है तो फिर कल से ज्वाइन कर लो। ठीक है, कल से आ जाऊंगा। या अगर चाहो तो दो तीन दिन बाद भी कर सकते हो। नहीं डैड, बात ये नहीं है। तो क्या बात है डैड? अनाया काम करना चाहती है, और आप तो जानते हैं हम लोग क्लास फेलोज थे, वो गोल्ड मेडलिस्ट। अगर वो ऑफिस ज्वाइन करेगी तो यकीनन कंपनी का फायदा होगा। अब कल के बच्चे हमें फायदा पहुंचाएंगे। डैड खुद सोचे, अनाया एक इंजीनियर है, उसे घर बिठाना ज्यादती है। हसन, मैं एक इम्तिहान से निकलता हूं और मुझे तुम दूसरे इम्तिहान में डाल देते हो। डैड, इसमें इम्तिहान की क्या बात है? हमारे ऑफिस में इतने लोग काम करते हैं, अनाया भी अपनी जगह बना ली। ठीक है, कल आ जाना। थैंक यू डैड। जाओ, देर हो गई, सो जाओ। गुड नाइट। आपने जब पापा से बात की तो उनका क्या रिएक्शन था? बहुत खुश हुए, मुफ्त का मुलाजिम मिला है, खुश क्यों ना होते? अच्छा, मैं मुलाजिम हूँ? मजाक कर रहा हूँ। आज ऑफिस का पहला दिन है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। सुबह शाम साथ जो गुजरेंगे। ऑफिस में आपके ड्रामे नहीं चलेंगे। कौसर, कौसर आई बाजी। कान खराब है, आवाज नहीं आती। हाँ बाजी, वो मेरे हाथों को साबुन लगा हुआ था ना, तो धोते धोते। सारे घर वाले कहाँ हैं? बाजी बेगम साहब तो बाजार गई हैं, सेठ साहब, हसन भाई और नाया बाजी ऑफिस गए हैं। क्या, अनाया डैड के साथ ऑफिस गई है? नहीं बाजी, वो हसन भाई के साथ गई हैं, लेकिन गई ऑफिस ही है। कह रही थी दुआ करना, आज मेरा पहला दिन है। कहीं जा रही हो बेराल? कहाँ? ऑफिस। फिरोज साहब, मैंने आपको यह बताने के लिए बुलाया कि अनाया आज से हमारे ऑफिस में काम करेंगी। जी सर, मुझे फरीद साहब ने बताया था, ये नहीं कहीं ऑफिस है। लेकिन सर, फरीद साहब ने डेजिग्नेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। मैं अपनी डिग्री साथ लाई हूँ,
आप मुझे HR डिपार्टमेंट में रेफर कर दें, जहाँ भी मेरी जगह बनती होगी अलवाक। अरे नहीं मैडम, इनफॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये आप ही का ऑफिस है, आप जो पोजीशन सेलेक्ट करेंगी यू कैन वर्क ऑन दैट। मैं सिर्फ काम करना चाहती हूँ, पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिंदगी